हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और ये सुबह का टाइम है, सुबह 9 बजे का है। मैंने पूजा कर ली है और यहाँ देखिए लड्डू गोपाल पालने में बैठे हुए हैं। मैं 11 को व्रत रखा था, 11-12 बजे रात में ही मैंने पूजा पाठ कर लिया था। आज है 12 और आज भी कई जगह लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। इस बार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने झांकी नहीं सजाई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और जो भी कुछ मैनेज हो पाया था क्योंकि मार्केट में जा नहीं पाई थी। तो ड्रेस भी मैंने खुद ही बनाया था चीकू कह रहे हैं अपने लड्डू गोपाल का। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, इनकी ड्रेस कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइए, क्योंकि जो बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल पालने में ना, उनकी ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाया था। हर बार जा कर के उनका सारा श्रृंगार मैं ले आती थी, मगर अब की काफ़ी कमियाँ रह गई, इस वजह से मैं जन्माष्टमी झांकी भी नहीं सजाई। उठ उठ उठो शुभ तो मेरी काना हो। हेलो, गुड आफ्टरनून। और मैं बारिश हो रही, बहुत तेज बारिश। की जो डेट है आप सभी को पता है, 12 आज है जन्माष्टमी और लड्डू गोपाल का बर्थडे है। बारिश भी हो रही है, बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ ना, जन्माष्टमी वाले दिन इतनी बारिश हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी ना कि जब भी हम लोग यहाँ पे जहाँ आप हॉल में देख रहे हो झांके सजाते थे, बहुत गर्मी लगा करती थी। बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है, काफ़ी दिनों के बाद ये बारिश, लगभग 2 वीक हो चुके होंगे। और मुझे चलना है, एक वीडियो बनाना है अपने लिए, अपने लिए नहीं सबके लिए बनाना है। देखो बारिश, और हवा भी बहुत तेज है। दिन दिन मेरे पिता सामने दिखाते हैं, 1 मिनट आप लोग को कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और आज मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, पूरा दिन मेरा नाम बहुत बेकार जा रहा है क्योंकि मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए झांकी नहीं सजाई, वो सारी तैयारियां मैं नहीं कर पाई जो हर साल करती थी। तो बहुत खाली खाली सा जैसे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है। हो जाता है, कान्हा जी मुझे माफ़ कर देंगे, वो समझ सकते हैं ना कि हम पूरी तैयारी पूरी तरह से नहीं कर पाए जो हर बार हम लोग करते थे। यही देखना है कोरोना कितने सारे तीज त्योहार को ऐसे ही ले जाएगा। बिल्कुल सुना सुना यार। चलो तो जाओ, मैं बना लूँ। हाँ देखो मेरा मन, और मुझे एक वीडियो शूट करना है और बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है। डर ये लग रहा है लाइट चली गई तो, क्योंकि मुझे दूसरे कमरे में बनाना है और उस कमरे में इन्वर्टर नहीं है। लाइट चली गई तो फिर मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चीकू चीकू, बारिश हो रही, छत पे चले गया, आवाज़ स्लो कर लो। और आप सब कैसे हो? हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी 2 दिन थी, 11 और 12 को थी, तो आज है 12 और 11 को मैंने फास्ट रखा था और 11 को ही कान्हा जी हमारे यहाँ, मतलब इस बार मैंने जन्माष्टमी झांकी नहीं सजाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और तुम लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की थी। ये प्रॉब्लम, इन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ रिव्यू करने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ कि मैं ऑनलाइन क्या मंगाया। आप क्यों नहीं बेटा, ओ पागे तुम। समय शाम के 4:30 बज रहे हैं और चीकू नहीं सोया है, हर बार की तरह लेके लेटी थी कि सो जाए, नहीं सोया है। बारिश हो गई है बंद, और बारिश बंद होने के बाद ना हल्की सी धूप निकल आई, बहुत तीखी वाली धूप, हल्की है। तो आज मैं दूसरे रूम में हूँ क्योंकि चीकू बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। मैंने सोचा कि आप लोग को मैं वहाँ पे दिखाऊंगी रूम में, तो शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, आपने देखा ही है, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बच्चे तो मानते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा ही दूं कि मैंने अपने लिए क्या मंगाया है ऑनलाइन। ये देखें, और ये है ना, मैंने अपने लिए ऑनलाइन काफ़ी ड्रेसेस मंगाई है। ये देखें, ये आपने देखा ना, बहुत सारी ड्रेस मंगाई है और ऑनलाइन मैंने मंगाया है और काफ़ी अच्छे दामों पे मुझे मिल गई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से मंगाया है। ये जो ड्रेस मैंने मंगाई है ना, ये मैंने मंगाई है मैक्स से। और ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, बताती हूँ मुझे ये कितने में मिली है। तो ये देखिए, मेरे पास एक ब्लैक कलर का एक मैंने टॉप मंगाया है और एक ये रेड कलर का मंगाया है। ये देखो, ये दोनों टॉप है ना, तो ये जैसे कि मैं जब लोअर पहनती हूँ तो घर में मैं पहन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होती, ढीली ढाली होती है, घर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये जो रेड वाली है ना,
रेड वाली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखो, ये जो रेड वाली है मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, ये है ना। तो इसका जो कलर है ना थोड़ा सा और डार्क है और इसमें उतना अच्छा आ नहीं रहा है। तो ये जो रेड वाली है ये कितने की थी मैं आपको बताती हूँ, और इस समय काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है मैक्स पे, ये 699 की थी। तो मुझे 699 में दो ड्रेस मिली है, दो टॉप मैंने लिया, मतलब एक के साथ एक फ्री था तो मैंने ले लिया था। और अभी शायद 15 अगस्त तक ये सेल चले। और ये देखिए, वो रेड है और ये ब्लैक है, और ब्लैक वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसकी ये देखो, ये डेली यूज के लिए मैंने मंगाया है, ये देखो। तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, रेड वाली भी पसंद आई थी। तो मुझे 699 में दो ड्रेस मिल गई है, बताओ कितनी सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। और मैं लेने वाली नहीं थी, मैंने सोचा इतनी ज़्यादा छूट आई है तो चलो ले ही लेते हैं। तो दो टॉप हो गया, एक के साथ एक फ्री, और दो मैंने लॉन्ग मैक्सी ड्रेस मंगाई है जैसे घर में पहनने के लिए। जो भी ड्रेस मैंने मंगाया है ना, तो ये घर में पहनने के लिए मंगाया है मैंने, जैसे रोजाना यूज के लिए। आप चाहो तो बाहर भी पहन के जा सकते हो, वैसे बाहर कौन जा ही रहा है आजकल, तो घर में ही जो फैशन करना है घर में ही कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये मैक्सी ड्रेस है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, ये देखो, ये भी मैक्स का ही है। मैक्स की जो कपड़े की क्वालिटी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और डेली यूज के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इतनी सॉफ्ट होते हैं, कॉटन होते हैं ना, काफ़ी अच्छा होता है, और गर्मियाँ नहीं, जो पसीना निकलता है ना वो अच्छे से। लॉन्ग है, नीचे ये है, ये देखिए, तो इसका नेक है ना, ये नेक कलर वाला है, ये देखो कितना प्यारा है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये का मुझे मिला है, ये है 1299 का, मतलब 1300 का है, 1300 में मुझे ये मुझे दो मिली है। तो मैंने सोचा लाओ लूट ही लेते हैं, जब 1300 में दो मिल रही है, वैसे लेते हैं तो एक ही मिलता है, जब इतना ज़्यादा छूट आई है तो ले ही लेते हैं। तो मैंने दो ड्रेस लिए, तो दोनों ये मैक्सी ड्रेस है, एक के साथ एक फ्री है, ये देखो। और ये वाली तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसकी जो प्रिंट है ना मेरे को बहुत अच्छी लगी है, देखो ये भी लॉन्ग ही है, ये मैक्सी ड्रेस है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ये देखो इसकी, ये भी कलर वाली ही है, और ये देखो है ना अच्छी, प्रिंट बहुत अच्छा है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। आप चाहो घर में पहनो चाहे बाहर पहनो, तो इसको तो मैं बाहर के लिए ही रखूंगी, ठीक है, इसको मैं घर के लिए निकालूंगी, घर, ये भी प्रिंट बहुत अच्छा है। तो ये मुझे 1300 में दो ड्रेस मिल गई है, बताइए है ना फायदा। तो मैंने सोचा आप लोग को भी मैं बता दूं, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैक्स पे इस समय काफ़ी डिस्काउंट आया है, काफ़ी चीज़ों पे आया है, मतलब एक टॉप के साथ आप दो टॉप ले सकते हो, मतलब एक रेट में आप दो कपड़े ले सकते हो। तो दो टॉप मैंने लिया था, दो लॉन्ग कुर्ती मैंने ली थी, और मैंने अपने लिए लिया था, मैंने अपने लिए लोअर लिया, ये है लोअर, तो ये मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, ये मुझे 600 की थी तो 600 में ही मिली है, इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो लोअर मुझे चाहिए था डेली यूज के लिए, तो ये है, तो ये दो लोअर मैंने अपने लिए मंगाए हैं, ये देखो, ये कॉटन है, सॉफ्ट है, और काफ़ी अच्छा है, रोज़ धुलना है, रोज़ पहनना ही है। तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी शॉपिंग की थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। और दो लोअर मैंने मंगाई है, दो शॉर्ट टॉप मैंने मंगाया है, और दो लॉन्ग कुर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो काफ़ी दिनों के बाद ये शॉपिंग मैंने की है, मतलब एक साथ मैंने इतने सारे कपड़े लिए और एक साथ मुझे इतनी सारी छूट मिली, ठीक है। तो और आप लोग भी चाहते हो कुछ ऐसा डिस्काउंट ढूंढ रहे हो तो मैक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको ना क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी कपड़ों की, मतलब आंखें बंद करके आप ले सकते हो कि क्वालिटी कैसी होगी। कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई भी कपड़े मंगाते हैं उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती, दिखता कुछ और है, मिल कुछ और जाता है, तो थोड़ा सा होता है ना कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं। मगर मैक्स पे ना आप जो ऑर्डर करोगे ना, जैसी क्वालिटी रहेगी सेम आपको वही चीज़ मिलती है। और आप लोग जरूर बताइएगा इसमें से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, ये वाली अच्छी लगी, ये वाली अच्छी लगी, रेड वाली अच्छी लगी कि ब्लैक वाली अच्छी लगी। मगर मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, और उसके बाद ब्लैक वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। चलती हूँ वहाँ पे, ब्लॉग बंद करती हूँ क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, और कई लोग मेरे को पागल बोलने लगे हैं, यार मैं पागल हूँ क्या? आप लोगों को लगता है कि मैं कहीं से पागल दिखूँ? पागल होती तो घर में होती, पागल खाने में होती। तो चलो ठीक है, यहाँ पे अपना ब्लॉग हम बंद करते हैं।